The day before Mr. Vijay Thirubudi's book on Lal Bagh was released, and Dr. Vivek Jalvi Saab was the chief guest, it was a pleasure to read his blog the day before, and I thought it proper to visit Lal Bagh this morning. So morning 6:40 I reached Lal Bagh, that is 15th March 2021. Oh, it was a pleasure to be there for some time. So hope this book will be getting a lot of successful reviews and people will love to read it. Lal Bagh is really iconic, and all our best wishes for the writer. So here we go. फूल ही फूल खिल उठे इस आशियाने में। ये लाल बाग है और कैसे दिलकश फूल दिखाई दे रहे हैं, दिल फरेब। आज सवेरे सवेरे यहाँ आकर रंगीन हो गया मन। वाह, लाल बाग। ओ टू बी इन लाल बाग। 15th March morning, 2021. क्या मोहब्बत है और क्या सलीका है ज़िंदगी जीने का इन परिंदों का। वाह, और वो पीछे रफ्तार उस आबशार की। सॉन्ग ऑफ लाइफ, यस सॉन्ग ऑफ लाइफ। चलते रहो चलते रहो, उड़ते रहो उड़ते रहो, जहाँ तक हो सके रुको मत। ये है पैगाम आबशार। एक खूबसूरत शहर इस तरह शुरू होती है तो दिन अच्छा बीतता ही है। फिर लौटें इनकी तरफ। जल में करते हुए किलोल ये परिंदे इसीलिए हैं जिंदे और कारिंदे ये परिंदे। क्या वेग है, क्या तेज है जल प्रवाह, एक आबशार दिल पर। एक बिरादरी ये भी है, ताबुन खुलूस राब्ता मोहब्बत का पैगाम देते हुए ये परिंदे कितने इत्मीनान से बैठे हुए हैं सबके सब। कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं ये परिंदे। ये लाल बाग की शहर बड़ी खूबसूरत है। आज महसूस कर रहा हूँ कितना दिलकश है ये मंज़र। भाई कोई आओ कोई जाओ, हमें तो तन्हाई पसंद है। हम इसलिए तन्हा बैठे हैं
एक कोने में। यही सत्य भी है जीवन का, कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं जिंदगी में, आखिर का कोना तो तन्हा ही है। अलोननेस नॉट लोनलीनेस इज वेरी पॉजिटिव, सकारात्मक है ये विचार। ये है समाधि, ये है समाधि। दुनिया में कुछ होता रहे, कोलाहल कितना मचा रहे, कितना शोर रहे, लेकिन समाधि, समाधिस्थ ये परिंदे। कितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, दिलकश मधुर फूल खिले हैं और परिंदे इनके कुर्ब में कितने दिलकश हैं ये मनाज़िर लाल बाग के। फ्लाइट ऑफ पिजन्स कैसे उड़ते हैं ये परिंदे, आहा, फ्लाइट ऑफ पिजन्स लालबाग। ऐसे ही कोई फ्लाइट ऑफ पिजन्स देखी होगी रस्किन बॉन्ड सर ने, जो एक नॉवल लिख दिया। कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये पिजन्स, वाह, उड़ान में कहाँ थकान, फ्लाइट ऑफ पिजन्स दूर तक हद्दे निगाह तक। एक समाधि ये भी और यूं भी। रोमांटिक लगती है ये आवाज़ सूखे पत्तों पे कदमों की आहट। हम्म,
यकीनन ये परिंदा नगरी ही है। इतने सारे परिंदे सब खाने में मसरूफ हैं इस वक्त। हाँ ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट टाइम। एक उड़ान परिंदे कुछ खाने को मिल जाता है तो लौट आते हैं, ये कहीं भी है आबोदाना ढूंढते हैं। ये कुंज क्यों न ज़ियारत गहे मोहब्बत मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे रही है दाद तलब उनकी शोखियाँ। आज ये बेंच खाली है लेकिन उस दिन तो वो दोनों यहीं थे। फिर वक्त का वो सितम अलगी और फिर बस फिर ये कुछ नाम लिखे हुए इन दरख्तों पे माजी की अलामतें ये परिंदे याद दिलाते हुए उस दौर को। और उड़ गया एक दिन वो परिंदा इस परिंदे की मानी। परिंदों को उड़ना होता ही है, रुकते हैं नहीं वो। एक एहसास और वो नकूश इस खाली बैठी हुई बेंच पे जो सदियों से किसी के इंतज़ार में है, शायद कोई लौटे कभी। सूखे पत्तों के दरमियाँ लेकिन फूल भी खिले हैं। पत्ते टूट कर गिरते हैं तो एक दिन फूल भी गिरते हैं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और ये आ गया बसंत खिलखिलाता मुस्कुराता जगमगाता। किसका रास्ता देखे ए दिल है सौदाई मिलो है खामोशी बरसों है तन्हाई भूली दुनिया तुझे भी मुझे भी फिर किसकी याद आई। ये ख्याल साहिर का था और फैज़ कहते थे अब यहाँ कोई नहीं आएगा अब यहाँ कोई नहीं।